उत्तर प्रदेश में आए दिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने गए पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की खबरें सामने आती हैं। कभी गाली गलौज कर मारपीट की जाती है, कभी वर्दी फाड़ दी जाती है, तो कभी जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बात पथराव तक भी आ जाती है। इस बीच ऐसा एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ दुकानदारों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस कोरोना कर्फ्यू के चलते दुकान बंद करवाने चिनहट के सामुदायिक केंद्र के पास पहुंची तो दुकानदार ने अचानक से पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी के सर पर गंभीर चोट आई है, वहीं दूसरे पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। आरोपी हमले के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल चिनट थाना क्षेत्र के सामुदायिक केंद्र के पास एक दुकानदार रामेश्वर लोधी की दुकान बंद करवाने जब पुलिस चौकी पर तैनात दो सिपाही पहुंचे और दुकान बंद कराने को कहा तो पुलिसकर्मियों के आग्रह पर दुकानदार भड़क उठे और उसने कहा कि आपको तो मेरी ही दुकान दिखाई देती है। इसके बाद पुलिसकर्मी और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद दुकानदार ने दोनों सिपाही पर बांस की बल्लियां उठाकर हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों पर दुकानदारों ने तराजू और बट्टे से भी हमला कर दिया। दुकानदार के हमले से सिपाही का सर फट गया, वहीं कई अन्य जगहों पर उसे चोट भी आई है। हमले की सूचना पाकर जब अन्य पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उनको देखते ही मां से आरोपी फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि चिन्हट के कमाता तिराहे पर सब्जी और फल के दर्जनों ठेले पुलिस वालों को पैसा देकर लगाते हैं, लेकिन जब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने की बात की तो दुकानदार पुलिस को रुपया देने से कतराने लगे। रविवार रात भी कमाता तिराहे पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। आरोप है कि रात में कुछ सिपाही ठेले वालों से वसूली करने पहुंच गए, लेकिन ठेले वालों ने जब रुपए देने से इनकार कर दिया, इसी बात को लेकर पुलिस वाले और सब्जी विक्रेताओं में लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते कई दुकानदार जुट गए और पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। किसी तरह पुलिस वाले जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इंस्पेक्टर चिनट का कहना है कि सिपाही दुकानें बंद करवाने गए थे और उस वक्त हमला हो गया। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है और वसूली के आरोप को उन्होंने सरासर गलत बताया है। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जांच की जरूरत है, क्योंकि ये बात भी झूठ नहीं है कि कई जगहों पर पुलिस वाले ठेले वालों से पैसा लेकर उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए दुकान लगाने देते हैं और इसी तरह से मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। हालांकि दुकानदारों की तरफ से ऐसा हमला करना भी सरासर गलत है और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस खबर पर अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।